वजीर अजम नरेंद्र मोदी आज मुतहदा अरब अमारात के दौरे पर होंगे रवाना सदर अल से करेंगे दो तरफा बातचीत यू ए के पहले हिंदू मंदिर का भी करेंगे अफ्त और वजीर अजम नरेंद्र मोदी के लिए लोगों में है जबरदस्त जोशो खरोश मुतहदा अरब अमारात के बाद कतर जाएंगे वजीर आजम मोदी अपने कतर के दौरे के दौरान वो अमीर शेख तमीम बिन हम के साथ करेंगे मुलाकात दोनों रहनुमाओं के दरमियान दो तरफा तालुका को मजीद वुसत देने पर होगी बातचीत हुकूमत और किसान तंजीमों के दरमियान मुजात में नहीं हो सका कोई मुहिदा एहतजा से कबल दिल्ली की सरहदे कर दी गई सील पुलिस ने हरियाणा पंजाब और यूपी की सरहदों पर भी खड़ी की रुकावटें उत्तर प्रदेश एस टी एफ ने बगैर तफ्तीश के हलाल सर्टिफिकेट जारी करने और कंपनियों को खाने पीने की दुकानों से पैसे वसूल करने के इल्जाम में की बड़ी कार्रवाई हलाल काउंसिल ऑफ इंडिया मुंबई के सदर नायब सदर जनरल सेक्रेटरी और खजांची को किया गया गिरफ्तार इसराइल का रफे पर हमला सत्तर से ज्यादा अफराद हलाक अकवा मुतहद समेत कई ममालिक किया तशवीश का इजहार बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियनशिप 2024 आज से मलेशिया के शाह आलम में होगी शुरू पीवी सिंधु और एच एस करेंगे हिंदुस्तानी टीम की आदाब आप आपका इस्तकबाल है मैं हूँ खबरें से अजम नरेंद्र मोदी आज मुतह अरब अमारात के दो रोजा दौरे पर रवाना होंगे और जिसके बाद पीएम मोदी कतर भी जाएंगे पीएम मोदी दुबई में सदर शेख मोहम्मद बिन जैद अल के साथ दो तरफ़ा मुलाकात करेंगे और वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2024 में भी शिरकत करेंगे पीएम मोदी दुबई में पहले हिंदू मंदिर का अफ्त भी करेंगे पीएम के कतर के दौरे को स्ट्रेटजिक और सिफारती तौर पर बहुत ख़ास समझा जा रहा है आइए जानते हैं इसकी तफसीर नरेंद्र मोदी आज दो रोजा दौरे पर यू यानी मुतहदा अरब अमारात के लिए रवाना होंगे ये पी मोदी का यू का सातवा दौरा होगा वजी मोदी सदर शेख मोहम्मद बिन जैद अल के साथ दो तरफा मुलाकात करेंगे इस दौरान दोनों रहनुमा अपनी स्ट्रेटेजिक दोस्ती को मजीद मजबूत करने के साथ साथ एक दूसरे की दिलचस्पी ऐसी मुताल मकामी और बन अवी उमूर आरोप तबादह ख्याल करेंगे दोनों रहनुमाओं के दरमियान गुजश्ता आठ माह में ये पांचवी मुलाकात होगी पी एम मोदी

Sit down for bilateral <coughs> meeting. On thirteenth itself, Prime Minister will be addressing a community event. Alhan Modi. In Abu Dhabi, Prime Minister will be participating in the World Government Summit twenty twenty four as a guest of honor and deliver a special keynote address on the closing day of the summit. अपने दौरे के दौरान वजीरियातम अबू धाबी में यूएई के पहले हिंदू मंदिर की इफ्तिताई तकरीब में भी शिरकत करेंगे ये मंदिर बीएपीएस नामी तंजीम की قیادت में बनाया गया है की हाईलाइट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर्स विजिट टू द यूएई वुड बी इनॉग्रेशन ऑफ द बीएपीएस हिंदू मंदिर इन अबू धाबी ऑन 14th फरवरी अपना यूएई का दौरा मुकम्मल करने के बाद पीएम मोदी 14 फरवरी की सपहर कतर की राजधानी दोहा जाएंगे इस दौरे के दौरान पीएम मोदी कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद और आला शख्सियात के साथ दो तरफा बातचीत करेंगे ये वजी अजम का कतर का दूसरा दौरा होगा भारत और कतर के दरमियान मजबूत भामी तजारत फिलहाल बीस बिलियन डॉलर है ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑनब्री Afternoon. The bilateral relationship between India and Qatar, that has been steadily growing, includes a comprehensive span, including political ties, trade and investment linkages, a strong energy partnership, and ties in the field of culture, education, and security. वजे अजम नरेंद्र मोदी का यू ए का दौरा बहुत अहम है ये दोनों ममालिक के दरमियान मजबूत ताल्लुक को जाहिर करता है और साथ ही पी एम मोदी का दौरा कतर भावी तल्लु और तजारती ताल्लुक के लिहाज ऐसी खास है इसके अलावा इसकी सिफारती अहमियत भी है उनका ये दौरा एक ऐसे वक्त में हो रहा है की जब कतर ने सजाए मौत पाने वाले सबक भारतीय बहरी फौजियों को रिहा कर दिया है कबल जिक्र है की कतर में आठ हिंदुस्तानियों को सजाए मौत सुनाए जाने के मामले में भारतीय हुकूमत को बड़ी सिफारती फतह मिली है ब्यूरो रिपोर्ट डी न्यूज उर्दू खबरें वजेर अजम नरेंद्र मोदी तेरह से चौदह फरवरी तक मुतहदा अरब अमारात के सरकारी दौरे पर जाएंगे और इस दौरान वो अबूजहबी में बनाए गए एक हिंदू मंदिर का अफ्तः भी करेंगे भारतीय सफीर संजय सुधीर ने डी डी न्यूज़ से खसूस गुफ्तगु की वज़ी अजम के होने वाले दौरे के बारे में भारतीय सफीर संजय सुधीर ने कहा कि यह बहुत अहम दौरा होगा अगर हम गुजत नौ दस बरस पर नज़र डालें तो भारत और मुतदा अरब अमारात के तलुक़ ने नई बुलंदियों को छुआ है 14 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर संयुक्त अरब अमीरात आ रहे हैं साल 2015 से शुरू हुआ यह सिलसिला लगातार सातवीं बार प्रधानमंत्री का यहाँ पर आगमन है कितनी विशिष्ट होगी ये यात्रा संयुक्त अरब अमीरात के भारत के राजदूत संजय सुधीर जी हमारे साथ हैं सर किस रूप में देखते हैं सिलसिला पैंतीस साल बाद टूटा दो में और अब सातवीं बार लगातार दोनों देशों के राष्ट्राध्यक्षों के बीच में एक जबरदस्त मेल मुलाकात कितना अहम ये यात्रा यह या यात्रा बहुत अहम है और जैसे आपने कहा कि सन उन्नीस में प्रधानमंत्री की यात्रा हुई थी यहाँ उसके बाद चौंतीस साल कोई यात्रा नहीं हुई फिर प्रधानमंत्री मोदी 2015 में यहाँ आए उसके बाद पिछले नौ दस साल में उनकी ये सातवीं सातवीं यात्रा होगी और ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये जो हमारे आपसी तलुकात हैं पिछले नौ दस साल में इनमें पूरी तरह से एक ट्रांसफॉर्मेशन नजर आया है और ये ट्रांसफॉर्मेशन की जो वजह है वो ये है कि हमारे जो लीडर्स हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यहाँ के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद वो ख़ुद इस रिलेशनशिप को गाइड करते हैं डायरेक्ट करते हैं और इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आपसी दौरे भी होते रहें प्रधानमंत्री का ये सातवां दौरा होगा पिछले नौ दस सालों में और यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं शेख मोहम्मद बिन जायद वो चार बार ऑलरेडी इंडिया दौरा कर चुके हैं कितना विशिष्ट ये मंदिर और कितना विशिष्ट उपहार संपूर्ण मानव जाति के लिए ये मंदिर आ, हमारे जो लीडर्स हैं उनके विजन का एक हिस्सा है और यू की सरकार ने उसको पूरा समर्थन दिया है 27 एकड़ करीब जमीन तो दी ही है उसके अलावा जो भी सहयोग हो सकता है उन्होंने सहयोग दिया है इसके इस मंदिर के बनने में भारतीय समुदाय कहीं ना कहीं दिल खोलकर प्रधानमंत्री जी का स्वागत करता है इससे पहले दुबई में किया गया विश्व के अलग अलग हिस्सों में अहलन मोदी जो होगा यहाँ पर कितना अलग कितना विशिष्ट कितना यादगार बनाने जा रहे हैं उसको नाम ही इसलिए उसको दिया गया है अहलन मोदी क्योंकि अहलन का मतलब है स्वागत कर रहे हैं सुस्वागत वेलकम तो उसका नाम है अहलन मोदी लोग बहुत प्रतीक्षा कर रहे हैं तहे दिल से कि प्रधानमंत्री जी आए और उनको रूबरू देखें उनसे सुने उनके ख्याल सुने जब हमने रजिस्ट्रेशन का जो रवैया था शुरू किया तो इस तरह से लोगों ने अप्लाई किया रजिस्ट्रेशन के लिए कि जब करीब पैंसठ हजार की रकम तक तो हम लोग पहुँचे हम लोग को रजिस्ट्रेशन बंद करना पड़ा शुरुआती घंटों में तो बारह पंद्रह हज़ार से ज्यादा ही सब बता रहे थे बिल्कुल आप समझ सकते हैं और अबू धाबी का जो सबसे बड़ा स्टेडियम है शेख जायद सिटी स्पोर्ट्स सिटी में उसमें यह प्रोग्राम होगा सर वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट सबिट होना है प्रधानमंत्री जी उसको uh, गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में संबोधित करेंगे uh, किस तरीके का एक वैचारिक मंथन या किस तरीके से विश्व को दिशा देने वाला ये uh, कार्यक्रम होता है और क्या किन प्रमुख मुद्दों पर भारत एक नेतृत्व तो प्रदान कर सकता है जब हम वसुदेव कुटुंबों की बात करते हैं जब हम बात करते हैं विकसित भारत और जो जो कुछ चीज़ें भारत में हो रही हैं उसके बारे में लोग बहुत कुछ जानना चाहते हैं इससे बेहतर क्या हो सकता है कि प्रधानमंत्री जी खुद बताएं क्योंकि तो एक मान्यता एक आम मान्यता है भारत के बारे में विश्व गुरु की मान्यता और हमने वो करके दिखाया है ज, जैसे कि आप जी ट्वेंटी देखें उसका जो नेतृत्व किया प्रधानमंत्री जी ने और जिस तरह से ग्लोबल साउथ को उसमें सम्मिलित करने का प्रयास किया तो ये सब चीज़ें दुनिया समझती है दुनिया जा, जानती है और दुनिया और उसके बारे में सुनना चाहती है सर एक चीज और प्रधानमंत्री जी ने दुनिया को एक विजन दिया लाइफ जो उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया कि एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन के लिए उनके अलग अपने प्रयास होते हैं अलग अपने उनके आग्रह होते हैं साथ ही साथ ग्लोबल जो सप्लाई चेन वो निर्बाध रहे जो वैश्विक चुनौतियाँ हैं इस समय जो चाहे वो मध्य पूर्व की हों चाहे फिर अन्य जगहों के संकट हों उन सब में ये आयोजन और फिर प्रधानमंत्री का एक भारत के मुखिया के रूप में किस रूप में देखते हैं कि दोनों देशों के आपसी संबंध इस क्षेत्र में शांति स्थिरता सद्भाव को बढ़ाए भारत के प्रधानमंत्री का जो सोचने का नजरिया है वो बड़ा यूनिवर्सल नज़रिया है चाहे आपने देखा चाहे कोविड के समय की जब बात करते हैं तो करीब सौ देशों को हमने वैक्सीन प्रोवाइड करी अभी भी जो हमने पहल करी है जिस तरह की वो इस इस, इस इंटेंशन से हैं कि पूरे देश में शांति रहे बहुत बहुत धन्यवाद दूरदर्शन के लिए समय निकालने के लिए तो निश्चित तौर तो से आप देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा न केवल दो दो देशों के आपसी ऐतिहासिक सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत करेगी संपूर्ण मध्य पूर्व और अरब देशों में भारत के सांस्कृतिक जड़ों को और ज्यादा मजबूत करेगी बल्कि संबंधों को अनंत विस्तार देगी विस्तार आपसी सहयोग से लेकर अंतरिक्ष क्षेत्र का भी विस्तार हो सकता है यानी कि यहाँ पर पहले स्वामीनारायण मंदिर का जब लोकार्पण होगा वो यहाँ का एक मरुद्याल सरीखा तो होगा ही साथ ही साथ दो दोनों देशों के सांस्कृतिक रणनीतिक कूटनीतिक संबंधों को

फिलहाल 20 बिलियन डॉलर है वज़ी अजम मोदी का कतर का दौरा न सिर्फ भाभी तल्लु और तजारती ताल्ल के हवाले से ख़ास है इसके अलावा इसकी सिफारती अहमियत भी है वजीर अजम का यह दौरा एक ऐसे वक्त में हो रहा है कि जब कतर ने सजाए मौत पाने वाले सबक भारतीय बहरी फौजियों को रिहा कर दिया है ख्याल रहे कि कतर में आठ भारतीयों को सजाए मौत सुनाई जाने के मामले में भारतीय हुकूमत को बड़ी सफारती फ़तह मिली है और आगे बढ़ते हैं जहां सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू गुजरात और राजस्थान के सैरोसा दौरे पर हैं सदर जमहूरिया आज गुजरात के बलसाड में श्रीमद राजचंद्र मिशन का दौरा करेंगी सदर जमहूरिया कल राजस्थान के बैनिवेश्वरम में मुख्तलिफ सेल्फ हेल्प ग्रुपों से वाबस्त क़बायली ख़ातन के इज्तम से खिताब करेंगी और इससे कबल सदर जमहरिया ने कल सूरत में सरदार वल्लभ भाई पटेल नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजीज़ के बीसवें कॉन्वोकेशन से खिताब किया सदर जमहूरिया ने नौजवानों से मुल्क के मसाइल का जदीद इंजीनियरिंग के ज़रिए हल के लिए साइंस को अपनाने की अपील की हुकूमत और किसान तंजीमों के दरमियान कल रात बातचीत हुई मरकजी वज़रा के साथ किसान लीडरों की मुलाकात पर मरकजी वजीर अर्जुन मुंडा ने कहा कि किसान तंजीमों के साथ संजीदा बातचीत हुई है और हुकूमत हमेशा ये चाहती है कि बातचीत के जरिए हल तलाश किया जाए हम ज़्यादातर मसाइल पर इतफाक़ राय पर पहुंच गए लेकिन कुछ मसाइल पर हमने मुस्तबिल हल के लिए एक कमेटी बनाने को कहा है हम अब भी मानते हैं कि किसी भी मसले को बातचीत के जरिए हल किया जा सकता है मरकजी वजीर ने उम्मीद जाहिर की है कि बातचीत के जरिए हल निकाला जाएगा और इस दरमियान एहतजाजी मुजाहरे से कबल पुलिस ने हरियाणा पंजाब और यूपी की सरहदों पर भी रुकावटें खड़ी कर दी है दिल्ली पुलिस ने दिल्ली की मुख्तलिहदों के लिए तफसी ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की है किसान संगठनों के साथ बातचीत बहुत पूर्वक हुई और सरकार हमेशा चाहती है कि बातचीत के माध्यम से हर किसी समस्या का समाधान हम निकाल सकते हैं बातचीत के माध्यम से हमें समाधान निकालना चाहिए ऐसे सभी विषयों पर चर्चा किया अधिकांश ऐसे विषय पर जहां हम सहमति तक पहुंचे इस तरह के विषय जिन विषयों को लेकर के हमने ये कहा था कि इसके बहुत सारे ऐसे जुड़े हुए मामले हैं जिस पर हमें एक अस्थाई समाधान के लिए एक कमिटी बनाने की आवश्यकता है और उत्तर प्रदेश के एस ने हलाल काउंसिल ऑफ इंडिया के चार अरकान को गैर कानूनी हलाल सर्टिफिकेट जारी करके धोखाधड़ी करने के मामले में गिरफ्तार किया है इन चारों अफरा पर मुख्तफ कंपनियों से गैर कानूनी तौर पर रक़म लेने का इल्जाम है कौंसिल ना तो ऐसे सर्टिफिकेट जारी करने की मजाज है और ना ही वो किसी प्रोडक्ट के नमूनों की जांच करती है एस टी एफ ने हलालंसिल ऑफ इंडिया के सदर मौलाना हबीब यूसुफ पटेल नायब सदर मौलाना मुद शर सपाडिया जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद ताहिर जाकिर हुसैन चौहान और खजानची मोहम्मद अनवर को गिरफ्तार किया है ये चारों गिरफ्तार मुलजमान मुंबई के रहने वाले हैं चारों मुलजिमान को एस टी एफ हेड क्वार्टर लखनऊ में पूछकच के बाद ही गिरफ्तार किया गया बताया जा रहा है कि हलाल काउंसिल ऑफ इंडिया पूछकच के अरकान पूछ के दौरान तमाम सवाल के जवाब नहीं दे सके काउंसिल मुंबई की जानब से गैर कानूनी तौर पर गोश्त और गोश्त की मसनूआत के अलावा खाने पीने की दीगर अशिया के लिए हलाल सर्टिफिकेट जारी कर रहा था मगरबी बंगाल के संदेश खाली में खातान अब भी खौफजदा हैं जिनसी हिरासानी का शिकार खात गवर्नर के सामने खुलकर सामने आने से डर रही थी संदेश ख्याली की खातान ने त्रिमूल के गुंडों पर जिनसी हिरासानी का इल्जाम लगाया है जिसकी वजह से मगरबी बंगाल से लेकर दिल्ली तक सियासत गर्म है मगरबी बंगाल के गवर्नर सी वी आनंद बोस ने कल शुमाली चौबीस प्रगना जिले के संदेश ख्याली का दौरा किया और हिरासानी का दावा करने वाली खातन को इंसाफ फराम दिलाने बनाने का वादा किया आज मकरबी बंगाल बीजेपी के सदर सुकान मजुमदार बशीर हाट एसएसपी ऑफिस के सामने एहतजाज करेंगे संदेश ख्याली में दफा एक तो सौ है लेकिन खातन मीडिया के सामने आकर अपने साथ होने वाले जुल्म की दास्तां बयां कर रही हैं मकरबी बंगाल हुकूमत और तृणमूल कांग्रेस इस मामले पर अभी तक खामोशी इख्तियार किए हुए है उत्तराखंड में हल्दुवानी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में बनभुलपरा तशद के मरकजी मुलिम अब्दुल मालिक के खिलाफ सरकारी इमलाक को मुबैना तौर पर नुकसान पहुँचाने के इल्जाम में दो करोड़ चौवालीस लाख रुपये की वसूली का नोटिस जारी किया है कल म्यूनिसिपल कमिश्नर पंकज उपाध्याय ने एक तहरीरी नोटिस जारी किया रिकवरी की रकम जमा कराने के लिए पंद्रह फरवरी तक का वक्त दिया गया है नोटिस में आठ फरवरी को वाक़े के दिन दर्ज की गई एफ का भी जिक्र है जिसमें मालिक का नाम लिया गया है और आगे बढ़ते हैं जहां इटावा में सरकारी रेलवे पुलिस ने चांदी के तीन स्मगलरों को गिरफ्तार किया है और उनके कब्जे से तकरीबन 55 किलो चांदी के जेवरात बरामद किए गए हैं बरामद शुदा चांदी के जेवरात की मालिया तकरीबन 40 लाख रुपए बताई जाती है चांदी के जेवरात चुराकर ट्रेन के जरिए ले जाया जा रहा था एक मुखबिर से इतला मिलने के बाद गवर्नमेंट रेलवे पुलिस ने बीकानेर से प्रयागराज जाने वाली बीकानेर एक्सप्रेस पर छापा मारा और तीन लोगों को गिरफ्तार कर लिया गिरफ्तार तीनों अफराद हाथरस के रहने वाले हैं और राजधानी में जारी नई दिल्ली आलमी किताब मेले में इस बार वो किताबें भी बड़ी तादाद में फरोख हो रही हैं जो बोर्ड के इम्तहान पर मबनी हैं इसके अलावा मसाबकती इम्तहाना की तैयारी करने वाले नौजवानों के लिए यहाँ बहुत सी किताबें भी देखी जा सकती हैं ये ऐसी किताबें हैं जो मुख्तलिफ इम्तान की तैयारी में मदद देती हैं और इसका जायजा लिया हमारे नामा नगार ग्रीश निशाना ने विद्यार्थियों के लिए बहुत कुछ है यहाँ पर ऐसी पुस्तकें हैं जो विद्यार्थी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए यहाँ एग्जाम आइडिया देखे जा सकते हैं हमारे साथ सुरेंद्र रतन जी हैं बात करते हैं सर किस तरह की पुस्तकें लेकर आए हैं हम लोगों ने स्पेशली जो बुक्स हैं सी बी एस सी रेफरेंस के लिए बनाई हैं सी बी एस ई बोर्ड एग्जाम के लिए सी बी एस ई सैम्पल पेपर हमने मॉडल टेस्ट पेपर के साथ निकाला है स्पेशली और बड़ा अच्छा उसका रिस्पॉन्स रहा है हमें वेरी फर्स्ट डे और सेकेंडली हम लोग एग्जाम आइडिया पूरा सी बी एस ई की बुक को हर साल रिवाइज करके देते हैं वो भी काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स है और डिसाइड दैट कि चिल्ड्रन बुक्स का भी बच्चों ने काफ़ी इस बार इंटरेस्ट दिखाया है हमारा मेन पर्पज़ है कि बच्चों को मैक्सिमम रेफरेंस मटीरियल अवेलेबल करना मार्केट में निखिल जैन जी हमारे साथ हैं हमने एक जेई की नई बुक निकाली है हमारी जो है उसके अंदर हमने बच्चों को सेवन टेस्ट दिए हैं जिसके अंदर इमीडिएटली प्रिपेयर कर सकते हैं जो अब जेई अप्रैल में आने वाला है कि बच्चों को पेपर कैसे सॉल्व करना चाहिए वो आज तक किसी भी बुक में नहीं दिया है सबको आंसर्स ही दिए गए हैं बट जो कैसे सॉल्व करना है कैसे बच्चा ध्यान लगा के पढ़ सकता है जेई की किताब के लिए वो इम्पॉर्टेंट है वो किताब वो बताती है और वो ऑथर्ड बाय आई एम अहमदाबाद और आई आई के प्रोफेसर हैं उन्होंने करा है सारा का सारा काम नीट के लिए हमारे पास श्री डीसी पांडे जी की किताब है लास्ट के टेन इयर्स के उसके अंदर हमने सारे पेपर्स लगाए हैं सोल्व एंड अनसोल्व पेपर्स प्रैक्टिस के लिए निकाले हैं प्रतियोगी परीक्षाओं की, की तैयारी करने वालों विद्यार्थियों के लिए भी यहाँ बहुत कुछ है हमारे साथ ऋतिक अग्रवाल हैं बात करते हैं कोई सा भी आपको की तैयारी करनी हो मैं आपको ये नहीं कहूँगा कि आप बुक्स खरीदो या कोर्स खरीदो कोई सी भी एक चीज़ नहीं ऐसी चीज़ देखो जिससे आपके कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होते हो फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग होते हो पुलिस की भी बुक्स है हमारे पास एस की बुक्स है पर ख़ास बात क्या रहेगी इसमें कि आपको कोर कॉन्सेप्ट पहले स्टार्टिंग से टाइप वाइज डिवाइड करते हुए हर टॉपिक को और फिर उसके बाद हर एक टॉपिक में मल्टीपल सॉल्ड एग्जांपल्स और फिर जितनी मर्जी प्रैक्टिस करनी हो कम अनलिमिटेड प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन जो युवा यहाँ पर आ रहे हैं वो प्रतियोगी परीक्षाओं की तरफ उनका रुझान ज़्यादा दिखाई दे रहा है जिसमें चाहे अग्निवीर हो चाहे सी की तैयारी हो चाहे एस की तैयारी हो चाहे रेलवे की हो तमाम तरह की जो नौकरियाँ हैं उनकी तैयारी करने के लिए युवा यहाँ अपनी अपनी पसंद की पुस्तकें खोजते नजर आ रहे हैं कैमरामैन राधे कृष्ण के साथ गिरीश निशाना डी डी न्यूज दिल्ली और खैर मुल्की खबरों में पाकिस्तान के कायम मकाम वजीर हक कक्कड़ ने हालिया पार्लिमानी इंतबा के नतायज में किसी कस्म की हेरा फेरी को मुस्तरद कर दिया है उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन पर कोई खास नतीजा देने के लिए कोई दबाव नहीं था उन्होंने कहा कि वो बेजाबतियों के इल्ज़ की तहकीक़ सिर्फ इसलिए नहीं करें करेगा कि कुछ मुल्कों ने जाँच के लिए कहा है और किसी भी चैलेंज से निपटने के लिए इसके अपने कवानी हैं गजा के इलाके रफ़ा में इसराइल के हमले में सत्तर से ज्यादा अफराद हलाक हो गए हैं अमेरिकी सदर जो बैडन के हमले के खिलाफ मशवरा देने के बाद इसराइली वज़ीर अजम बेंजामिन नितिन याहू ने इसराइली दिफाई अफवाज को रफ़े पर हमला करने का हुक्म दिया इस हमले के बाद मिस्र ने इसराइल के साथ दहाइयों पुराना अमन माहिदा खत्म करते हुए फौजी मदाखलत की धमकी दी है और साथ ही बनवा तंजीम अवा मुतहद और आलमी दार सेहत ने तशवीश का इजहार किया है इस पर डी डब्ल्यूएचओ ने कहा है कि गजा के लाखों लोगों की आखिरी मंजिल रफ़ा है अतहदानी हकूक के, के सरबरा का कहना है कि गजा में मुमकिन मुकम्मल इसराइली फौजी मदाखलत खौफनाक है क्योंकि तकरीबन पंद्रह लाख फिलस्तियों के पास भागने के लिए कोई और जगह नहीं है बड़ी तादाद में आम शहरियों के हलाक और जख्मी होने का खदशा है और नाजीना पेश है अखबार का जायजा तो दिल्ली से शायद होने वाले उर्दू के अखबार पर नज़र डालें तो रोजना महाराष्ट्र सहारा की सुर्ख़ी कुछ इस तरह से है कि नीतीश के ज़र क्यादत एन डी ए सरकार ने अतमाद का वोट हासिल कर लिया है और तहरीक एतमाद के हक में एक सौ उनतीस वोट डाले गए हैं आर जे डी कांग्रेस और बाजू की जमातों के अरकान का एवान से वॉकआउट आगे की सुर्खियाँ भी जान लेते हैं तिब यूनानी में करियर आपको बता दें कि कल आलमी यूनानी डे मनाया गया और उसी के हवाले से कई प्रोग्राम हो मनद हुए और इसी हवाले से यहाँ पर एक प्रोग्राम मनद हुआ है और उसी की ख़बर इसमें अखबार में शाया हुई है जिसमें यह कहा गया है कि तिब्बी यूनानी में करियर बनाएं और मुल्क और बैरून मुल्क के उनवान से यहाँ पर सेमिनार का इनका किया गया ऑल इंडिया यूनानी की कांग्रेस की जानब से ये प्रोग्राम मनद किया गया आगे जानते हैं रोसमा इनकलाब से जो हमने ख़बरें ली हैं उनमें एक ख़बर यहाँ पर दिल्ली से है जहाँ मेटी इंटरनेशनल स्कूल को बम से उड़ाने की धमकी मिली और पुलिस ने फौरन मौके पर पहुंचकर स्कूल में तलाशी मुहिम शुरू कर दी और बम की इतला मिलते ही वालदे अपने बच्चों को लेने के लिए आ गए लेकिन ख़ास बात यहाँ पर यह है कि इसके साथ ही इसमें ख़बर भी शाइ की गई है कि इसके अलावा और भी स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी कुछ मिलती रही है यहाँ पर कुछ अदादोशुमार शाया किए गए हैं जहाँ पिछले ही साल 2023 में कई स्कूल हैं ऐसे जिनको से उड़ाने की धमकी ईमेल पर मौसूल हुई है जिसमें आर के पुरम में डी पी एस और सादिक नगर के अंदर पब्लिक स्कूल वहीं दिल्ली पब्लिक स्कूल को भी अप्रैल 2030 में सादिक नगर के इंडियन स्कूल को मिली है शास्त्री स्कूल को मिली है और इसकी वजह से इंतज़ामिया काफ़ी परेशान है जो इस तरह की धमकियाँ लगातार ई के, के जरिए भेजी जाती हैं आगे बढ़ते हैं यहाँ पर दिल्ली के मौसम की कुछ बात कही जा रही है कि राजधानी दिल्ली में मौसम फिर से अपना मूड बदलने जा रहा है और आज इम्कान किया जा रहा है कि शायद हुकूमत दिल्ली में बारिश हो सकती है और वाजे रहे कि पीर से ही हम देख रहे हैं कि यहाँ पर हल्की हल्की दरमियानी धुंध छाई हुई है और थोड़ी बहुत ठंड भी दोबारा से एक बार फिर से दिल्ली में बढ़ती हुई नज़र आ रही है आगे बढ़ते हैं कुछ और ख़बरें भी जान लेते हैं यहाँ किसान की तहरीक जो चल रही है उसी हवाले से कई ख़बरें अखबार में शायं हुई हैं लेकिन उसी हवाले से हमने एक ख़बर यहाँ पर ली है जहाँ पर दिल्ली एनसीआर में जो शादी के हॉल्स हैं वो लोग काफ़ी परेशान हैं जिनकी शादियाँ उनमें होनी जा, होनी पा रही हैं तो वो तकरीबा मुतासर होने का अंदेशा है और उसकी वजह से वो जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान हैं कि वो अपनी जो उनकी तयशुदा शादी की जो तकरीब है वो किस तरह से अंजाम होगी इसको लेकर वो परेशान हैं आगे की खबर जान लेते हैं, जहां वे पर एक भयानक हादसे की थी और आगे बढ़ते हैं और आप जान लेते हैं कुछ खेल की खबरें पी सिंधु की क्यादत में हिंदुस्तानी खुवान की टीम और एच एस प्रणाई की क्यादत में मर्दों की टीम मलेशिया के शाह आलम में आज से 18 फरवरी तक खेली जाने वाली बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियनशिप 2024 में अपना दावा पेश करेगी दो हजार उन्नीस की आलमी चैंपियन और और इस साल इवेंट में कोर्ट पर वापस आएंगी वो घुटने की चोट की वजह से अक्टूबर के बाद से किसी भी टूर्नामेंट में हिस्सा नहीं ले सकी थी सिंधु के अलावा अश्मिता चलीहा भी सिंगल्स जुमरे में हिंदुस्तानी खातिन टीम का हिस्सा होंगी डबल्स जुमरे में अश्वनी पुनिया नीशा क्रिस्टो और त्रिशा जोली गायत्री गोपीचंद की जोड़ी भी हिंदुस्तानी दस्ते का हिस्सा है और अब पेश है मौसम का हाल र्जी के साथ ही हमारा खबरनामा खतम पजीर होता है हमारी पूरी टीम को दें इजाजत